class 7, 10 or chapter number 12, Rats on a Train. What is the name of the lesson? Rats on a Train. It is written by Rabindranath Tagore. It is written by Rabindranath Tagore. What is the name of the lesson? Rats on a Train. And who is the writer? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is Indian Bengali writer. Okay, Indian Bengali writer. Rabindranath Tagore kya hai? एक इंडियन बंगाली राइटर है, इंडियन बंगाली राइटर है, राइटर भी है, ड्रामेटिस्ट भी है, पेंटर भी है, म्यूजिशियन भी है. ही हैज रिटन नंबर ऑफ प्लेस एंड ड्रामास एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड दिस इज अ ड्रामा. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रामा? रैट्स ऑन अ ट्रेन. क्या है? रैट्स ऑन अ ट्रेन. रीड दिस. अभी ड्रामा है, ये ड्रामा है जो क्या है, एक टीचर के ऊपर क्या है, और उसके साथ एक कुछ स्टूडेंट हैं जो ट्रेन में जा रहे हैं. तो ना बी स्टार्ट ना स्टोरी रैट्स ऑन अ ट्रेन. क्या है इसमें? चार कैरेक्टर क्या है? चार लड़के हैं. विद्युत, एक विद्युत आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, और क्या है, सेकेंडरी टीचर है, स्कूल के कमेटी मेंबर्स हैं, और क्या है, वेंडर्स हैं जो चाय वगैरह बेचते हैं, बिस्किट वगैरह के वगैरह बेचते हैं. तो ये कहानी शुरू होती है ट्रेन से. एक ट्रेन में क्या होता है, एक ट्रेन होती है, ट्रेन में क्या होता है, चार लड़के सफ़र करते रहते हैं, चार विद्यार्थी सफ़र करते रहते हैं. तो आगे चल के वो क्या होता है, वहाँ पे उनके कोच में एक और वृद्ध आदमी आ जाता है, बूढ़ा आदमी आ जाता है. क्या रहता है? बूढ़ा आदमी आ जाता है. तो वो बोलता है कि क्या बोलते थे, मेरा कोई सारे कोच भारी पड़े हुए, सारे कोच क्या है, बहुत भारी पड़े हैं, क्या है, भारी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कोई खाली कोच नहीं है, क्या मुझे थोड़ी सी जगह दे दोगे? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि नहीं यहाँ जगह नहीं है. फिर दूसरा लड़का कहता है कि उस आदमी से कहता है, उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पर हम अपनी जगह बना लेंगे. तो फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि क्या बोलते कि मैं अगले स्टेशन पर रुक जाऊँगा. तो फिर उसके पास क्या होता है, उसके पास सामान होता है, लगेज होता है, और मट्टी के दो बर्तन होते हैं जिसमें उसने मिठाई रखी होती है. आगे चलते वो दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं कि इनके, वो लड़के अपना नाम बताते हैं और क्या बोलते हैं, और क्या है, लड़के बोलते हैं हम भी किसी काम से जा रहे हैं. तो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि क्या बोलते हैं, तुम किस काम से जा रहे हो? बंगाली में मतलब होता है, उसका बंगाली में मतलब होता है काला कद्दू और रेड चिली. क्या होता है? रेड चिली, काला लाल मिर्च. क्या होता है? काला कद्दू और रेड हॉट चिली. क्या होते हैं? लाल मिर्चा. ठीक है. फिर ये दोनों के दोनों इस सालों ये चालू रहते. तो फिर बूढ़ा देखे, फिर क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, फिर आगे चलने लग जाते हैं. तो इतना कहने के बाद वो बैठ जाते हैं. तो क्या होता है, इतनी देर में देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं, बूढ़े व्यक्ति को बोलते हैं, तुम्हारा तो खाना सारा जो तुमने मिठाइयाँ वगैरह रखी थी वो कौन खा गया है? तुम्हारा जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें जो मिठाइयाँ रखी थी वो सारे चूहे खा गए, यहाँ पर वो सारे चूहे, आप दूसरी जगह बैठ जाओ. वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हारा सारा खाना खा लिया है. बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि उन्होंने सारा खाना खा लिया. क्या कर लिया है? उन चूहों ने तुम्हारा सारा खाना खा लिया. ठीक है. तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा सामान है. क्या है? मेरे पास बहुत सारा सामान है, मिठाई खाने पीने का सामान है, इन्होंने खा लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगले स्टेशन में चलकर क्या होता है कि वो उसे क्या है, तो बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है.
बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, चंद साथ जाने के लिए तैयार होता है। तो आप ऐसे समय के लिए और चीज़ें भी खरीदते हैं, चाय बिस्किट खरीदते हैं लड़कों के लिए, फिर आखिर में वो अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं। और क्या है, उन्हें कहाँ ले जाया जाता है उस बूढ़े व्यक्ति को, वो बूढ़ा व्यक्ति टीचर होता है, टीचर को देखकर हैरान रह जाते हैं। और जो स्टेशन पर उतरते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल आने के बाद क्या होते हैं, अकेडमी मेंबर क्या है, उस बूढ़े व्यक्ति का वेलकम करता है, क्योंकि वो संस्कृत टीचर होता है। क्या होता है, वो एक संस्कृत टीचर है, संस्कृत टीचर होता है, और उस संस्कृत टीचर की डिमांड उनके स्कूल में होती है, और इस तरह वो उस बूढ़े व्यक्ति का वेलकम करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं। क्या है, तो इस तरह से दर्शाया गया है इस रेड स्टोन में, मैसिव में, इस कहानी में, इस ड्रामा में।